गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ फोर्थ क्लास, आवर एक्सरसाइज नंबर 9.6। स्टूडेंट्स, हम फ्रैक्शन वाले ऐड करेंगे अब कि फर्स्ट से आपका स्टूडेंट्स, हम नोटबुक में स्टार्ट करते हैं आवर एक्सरसाइज नंबर 9.6। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है आपका ए, 3/19 प्लस में 4/19। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि हमारा डेनोमिनेटर जो है सेम है। जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट प्लस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आया है 7/19। ओके, बी है आपका स्टूडेंट्स 7/29 प्लस में 11/29। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो है हमारा डेनोमिनेटर सेम है। ओके, डेनोमिनेटर हमारा सेम है, इसीलिए हम 7/11/29, 7 और 11 जो होता है हमारा 18/29। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सी वाला सेम है स्टूडेंट्स, आपको हम डी वाला करके दिखाते हैं 7/ ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारा है 10/3/20। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा डेनोमिनेटर वो सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें डेनोमिनेटर का स्टूडेंट्स, हमें एलसीएम लेना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका डेनोमिनेटर है 10 एंड 20। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 5 10 2 10 20 2 5 10 5 1 5 5 2 10 10 2 20। तो स्टूडेंट्स, हमारा आया है 20, हमारा न्यू एलसीएम जो न्यू जो डेनोमिनेटर आया है वो 20 है। अब देखना है 10 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है स्टूडेंट्स, 10 के टेबल में 20 2 टाइम में आता है। तो 7 में हम 2 इंटू करेंगे प्लस में 20 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, तो 3 का 3 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका प्लस, 7 2 14 प्लस में 3, दोनों डेनोमिनेटर सेम है इसीलिए हम 20 लेंगे, 14 और 3 17। ओके, तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आया है। पहले हमें डेनोमिनेटर को सेम करना होता है, उसके बाद आप ई पार्ट देख लीजिए, 5/7 प्लस में 1/21। 1/21 है, तो देखिए 5/7 है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 7 और 21 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए 7 और 21, तो 3 7 21 और 7 7, तो स्टूडेंट्स हमारा 21 ही आएगा। अब 7 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 21 7 के टेबल में 3 टाइम में आता है, तो 5 × 3 प्लस में 21 के टेबल 1 टाइम में, तो 5 3 15 प्लस में 1/21। ओके, 16/21। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जिसका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता उसमें हम डेनोमिनेटर सेम करते हैं, देन उसके हम स्टूडेंट्स उसे क्या कहते हैं, उसके बाद हम उसे प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका है आई वाला 3 + 3/8। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो डेनोमिनेटर है नहीं है तो हम 1 मानते हैं प्लस में 3/8। ओके, तो अब इनका जो है स्टूडेंट्स डेनोमिनेटर अलग है, इसीलिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 8 लेना है। ओके, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, 1 के टेबल में 8 3 टाइम में, तो 3 × 8 प्लस में 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, तो 3। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, 8 3 24 प्लस में 3/8, तो स्टूडेंट्स आपका आएगा 27/8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम